हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा जो क्लास है उसके लिए भी सबको वेलकम। तो जैसे कि हम लोग अभी पास्ट एक वीक से ऑलमोस्ट जो जो भी सारे अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसमें काफ़ी इंगेज है, और फिर आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे होपफुली। कुछ लोगों के तो स्कूल के भी क्लासेस है, फिर भी आप लोग टाइम निकाल के भी ये सारे वीडियोस देखते जा रहे हो, स्टडी शुरू हो गया है। तो आपकी तरफ से भी मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, तो आप अपना होमवर्क कर रहे हो, नोट्स रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डाउट्स के लिए आपको जो भी आपको डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करने के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू एटलीस्ट टेक्स्ट मी और मैसेज मी जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका। और आपने जो भी अभी तक का होमवर्क किया हुआ है उसका आप एक पिक्चर ले लेना अपने बुक का, नोटबुक का, जिसमें अपने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, एंड देन प्लीज सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन गो थ्रू इट, चेक करूँ, और फिर मैं आपको बताऊँ कि उसमें कुछ एडिशन चाहिए या फिर जो भी लिखा हुआ है उसमें कुछ अपने मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो दैट इज योर टास्क फॉर टूडे, ओके, आफ्टर द वीडियो। ओके, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अबाउट सेल, और सेल की बेसिक्स हमने देखी कि सेल का डिस्कवरीज क्या हुआ, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके शेप साइज के बारे में हमने पढ़ा। फिर जाके हमने सेल के टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ओके, तो इन सेल के सारे कंपोनेंट्स के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाले हमने लास्ट टाइम बोला था तीन उसमें इन्वॉल्व्ड है ऑर्गेनल्स, वो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर कभी कभार एक और कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो आज का फर्स्ट पॉइंट इज सेल कोट। तो सेल कोट यानी कि क्या, सेल के ऊपर का कवरिंग, सेल के ऊपर का जो भी कोटिंग है उसको बोलते हैं सेल कोट। तो सेल कोट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर इट कैन बी सेल वॉल और इट कैन बी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर सेल वॉल रहेगा तो उसके नीचे रहता है सेल मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं है कि सेल वॉल ही रहेगा और फिर या फिर सेल मेम्ब्रेन ही रहेगा, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन रहता है या फिर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रह सकता है। ठीक है, तो वी विल टेक वन बाय वन ऑल ऑफ दीज एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। ओके, नाउ सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट सेल और ए बैक्टीरिया और एन एल्गी। ओके, एक्सेप्ट फॉर एनिमल सेल, ये मोस्टली सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है वो काफी रिजिड होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है इट इज वेरी रिजिड एंड हेवी। ठीक है, एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, इट इज रिजिड, इट इज स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड डेड। ओके, तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट में हम बोल सकते हैं, या फिर अ कवरिंग ही सिर्फ बोलेंगे उसको तो भी चलेगा। तो ये जो कवरिंग है वो क्या करता है, सेल को शील्ड करता है, क्योंकि सेल जो है वो काफी लिविंग है और वो काफी वल्नरेबल होता है कि सारे जो उसके चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ये खुद को अडॉप्ट करना शुरू करता है या फिर उसमें डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है। तो अगर बाहर का एनवायरनमेंट स्लाइटली भी चेंज हो गया वो सेल को अफेक्ट करता है, तो उससे बचाने के लिए तो सबसे पहले तो उसको सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल क्या करता है, उसको एक शील्ड बनाता है, और इस शील्ड के अंदर ये सेल जो है वो सेफली अंदर, इट सिट्स इनसाइड इट। ओके, तो हेंस इट इज वेरी रिजिड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह भी इसकी ये है कि इसके जो सारे स्ट्रक्चर है, इसके कंपोनेंट्स है, इट इज ईदर मेड अप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स शुगर्स लाइक सेल्यूलोज, और इट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक पेप्टिडोग्लाइकन, और इनटू सम अदर इट कैन बी मेड अप ऑफ काइटिन और हेवी सेल्यूलोज। तो ये सारी चीजों से वो सेल वॉल जो बना हुआ होता है उसकी वजह से इसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, तो उसमें से सबसे पहले तो अगर मैं बोलूंगी प्लांट सेल में, ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, फंगाई में सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, एंड देन इनटू एल्गी इट इज मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, ऐसे चार अलग अलग सब्सटेंसेस से ये सेल वॉल बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलती है, उसकी रिजिडिटी मिलती है। सो हैज द सेल वॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ एंड रिजिड। ओके, देन अगेन
इट इज वेरी थिक इन नेचर. थिक होने की वजह से ये सभी चीजों को अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देता है और इस वजह से ये रिजिडिटी और प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा सेबॉल दे सकता है. फिर इट इज पोरस, क्योंकि सेल को अगर पूरा ही रिजिड और बंद अगर डब्बे में डाल दे तो फिर सेल एक्सचेंज ऑफ चीजें कैसे करेगा, राइट? उसको अगर पानी चाहिए, उसको अगर कुछ चीजें बाहर से चाहिए, अंदर कुछ सब्सटेंसेस उसको एक्सक्रीट करनी है, ये सब चीजों के लिए फिर जगह कहाँ रहेगी, राइट? तो उसके लिए इट इज पोरस. पोरस कुछ कुछ जगह पे उसमें पोर्स है जो उसको क्या करती है, परमिएबिलिटी की एबिलिटी देती है, जिसकी वजह से सेल विल हेल्प इन टू एक्सचेंज ऑफ थिंग्स बट नॉट टू दैट एक्सटेंट की सेल को कुछ खतरा हो जाए, ठीक है? एंड देन इट इज डेड. उसकी वजह से ही वो उसके ऊपर जो भी सारी चीजें अगर कुछ भी अगर आके सेल वॉल के ऊपर बम्बार्ड होता है तो उसकी वजह से सेल वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है. अदरवाइज इट वुड हैव लेड टू सेल की डेथ बहुत इजीली, ठीक है? देन इज फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. तो फंक्शंस क्या क्या है सेल वॉल के? सबसे पहले इट मेंटेन्स द शेप. बिकॉज इट इज रिजिड, बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक शेप, बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल विल मेंटेन दैट शेप ऑफ द सेल, ठीक है? नॉर्मली जनरली हम सेल प्लांट का सेल जो है वो ऐसे हेक्सागन टाइप वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट्स सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स इट दैट काइंड ऑफ शेप, ओके? तो जिस शेप का सेल वॉल रहेगा उस शेप का सेल रहेगा, ओके? सो एज इट प्रोवाइड्स और मेंटेन्स द सेल शेप. अगर वो रिजिड नहीं रहता था तो उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है तो वो कोई भी शेप ले सकता है, बट देन इट कीप्स इट इनटू वन इंटैक्ट शेप, ओके? Then second, it gives strength and bears stress, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं सेल को, जैसे कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस होती है. ऑस्मोसिस हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, but that we will study it to next class because it is quite a big topic जो आपको बहुत important भी है और आराम से इसको बैठ के आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है? So hence we will study it next time. तो वो क्या करता है, आदमी को ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बचाता है. सेल को अगर एक्सेसिव वाटर में डाल दिया जाए तो सेल को बचाता है. सेल को अगर शुगर सोल्यूशन में डाल दो तो उसमें से बचाता है. ऐसी कोई भी स्ट्रेस कंडीशन रहेगी अगर सेल को, एनवायरमेंटल स्ट्रेस रहेगा अगर सेल को, तो वो सेल वॉल उसको बहुत अच्छे से उसमें से बचाकर रखता है, ठीक है? देन इज परमिएबिलिटी. बिकॉज इट इज पोरस, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो भी चीजें सेल को एसेंशियल है वो सब चीजें अंदर बाहर करने के लिए कौन हेल्प करेगा? सेल वॉल हेल्प करेगा. सो हेंस सेल वॉल इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट और वी कैन से एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल फॉर एनी सेल. सो स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑल ऑफ दीज फोर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल में सेल वॉल होता है, इनकी लाइफ स्पैन भी उसके ऊपर डिपेंड करती है या फिर उनकी सेफ्टी भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है ये टर्म दिया था नागेली ने इसको कॉइन किया था इस टर्म को और फिर उसने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम है, ठीक है? इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको और भी बहुत सारे नाम, ठीक है? तो ये किस हिसाब से नाम दिए गए हैं, तो उसकी वर्सिटिलिटी के हिसाब से नाम दिए गए, ठीक है? इजी है रिमेम्बर करने के लिए. सेल के ऊपर का मेम्ब्रेन कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा इज साइटोप्लाज्म, लेमा कवरिंग, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा इज साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है? या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है बिकॉज सेल वॉल बीइंग द आउटर मोस्ट कवरिंग इन मोस्ट ऑफ दीज एनिमल सेल्स एंड नो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स रादर ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स एंड देन इनटू मोस्ट ऑफ द अदर सेल्स आल्सो. तो ये क्या करता है, सेल के अंदर आने वाली हर एक चीज को इंस्पेक्ट करके ही अंदर लेगा और बाहर जाने वाली चीज को इंस्पेक्ट करके ही बाहर छोड़ेगा. तो ये सारी चीजें किसकी परमिशन पे डिपेंड करेगी, कोई भी चीज सेल के अंदर बाहर करना है तो इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन सेल मेम्ब्रेन. सो हेंस सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही एसेंशियल है हर एक सेल के लिए. एक बार का सेल वॉल नहीं रहेगा तो चलेगा, बट सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो सेल विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज प्रेजेंट इन टू बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. जैसे मैंने पहले भी बोला, आउटर मोस्ट कवरिंग इन टू एनिमल सेल बट प्लांट सेल में नहीं, क्योंकि उनमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है? देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है? हियर यू कैन सी अ इमेज जहां पे मैं बता रही हूँ कि आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ऊपर वाला जो लेयर है इट इज कम्प्लीटली येलो कलर के राउंड बॉल से बना हुआ है. तो ये जो ऊपर का लेयर है इट इज मेड अप ऑफ
लिपिड ओके, उसके बीच में दो लंबी डंडियां दिखती है ओके, दैट दोज आर कॉल्ड एज द प्रोटीन स्ट्रैंड्स। उसके नीचे अगर देखा जाए तो उल्टे वापस से दो स्ट्रैंड्स है सीधे वाले, और नीचे में फिर से येलो वाले बॉल्स है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ओके। और ऐसे कंटिन्यूअसली बहुत सारे ऊपर में बॉल्स है, ठीक है, और नीचे में उसके प्रोटीन के स्ट्रैंड्स है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो सर्कुलर सेक्शन है, दैट इज वन लिपिड सेक्शन, ठीक है, और ये है प्रोटीन ओके। तो इसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोटीन बायलेयर ओके, बाय लेयर बाय टू लेयर्स ओके, सैंडविच होते हैं ये, ऊपर से लिपिड का लेयर है उसके प्रोटीन नीचे है, नीचे का लिपिड लेयर है उसके प्रोटीन बीच में है, ठीक है। तो दोनों लिपिड के लेयर के बीच में उसका प्रोटीन का लेयर सैंडविच रहता है, ठीक है। ये लिपो प्रोटीन बायलेयर जो है, या फिर ये जो लिपिड बायलेयर है, इससे सेल मेम्ब्रेन एंटायरली बना हुआ है, ठीक है। इट इज लाइक ए सी ऑफ लिपिड्स, और फिर उसके अंदर में बीच में प्रोटीन, और फिर से वापस से सी ऑफ लिपिड्स ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इसका एक कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन बन जाता है ओके। नाउ दिस एंटायर कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये लिपिड्स के हर एक ऐसे एक 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 सर्कुलर मॉलिक्यूल्स या फिर गोल गोल मॉलिक्यूल्स जोड़ के बना हुआ है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ भी दे तो बीच में से ये कट सकता है आराम से, उसको हम वापस से लगा दे एक साथ तो वो जुड़ भी जा सकता है, उसको आप किसी भी तरह से मोड़ दो तो वो सुपर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड क्यों बोला गया है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइड नेचर, यानी कि पानी जैसे मूव होता है वैसे ही ये लेयर भी मूव कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक नेचर ऑफ हैविंग दिस लिपोप्रोटीन बायलेयर या फिर लिपिड बायलेयर, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर की वजह से उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, पानी के जैसे मूव कर सकता है। सेकेंडली उसमें उसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है। अभी आते हैं सेकेंड में, मोजैक मॉडल क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे फिर से अब मैं इमेज में दिखाती हूँ कि ये जो येलो कलर के सारे अपने ऊपर के जो भी सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उसके बीच बीच में आपको बड़े बड़े चंक्स ऑफ प्रोटीन्स दिख रहे होंगे, उसमें से कुछ निकलने वाले ऊपर वाले स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ होते हैं इसमें से स्फिंगोलिपिड्स, कुछ होते हैं इसमें से निकलने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो है उसकी वजह से वो कैसे दिखता है, मोज़ेक स्ट्रक्चर दिखता है ना। वॉट इज मोज़ेक स्ट्रक्चर, तो जो टाइल्स हुआ करते थे पुराने जमाने के, राइट, नॉट द टाइल्स विच वी यूज करंटली, बट देन जो पुराने जमाने के टाइल्स होते थे जो व्हाइट कलर के टाइल्स, और उसमें छोटे छोटे धब्बे धब्बे वाला एक डिजाइन हुआ करता था, राइट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मोज़ेक स्ट्रक्चर ओके। मैं उसका इमेज भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ उस टाइल का ओके। तो दैट काइंड ऑफ टाइल इज कॉल्ड एज ए मोज़ेक टाइल। तो ये जो मोज़ेक टाइल स्ट्रक्चर है उसमें हमें कैसे दिखता है, एक यूनिफॉर्म कलर है और उसपे अलग अलग शेप एंड साइज के धब्बे है ओके। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो एक यूनिफॉर्म लिपिड का हमें सी दिखता है, जिसके बीच में ये अलग अलग साइज एंड शेप के अलग अलग टाइप के प्रोटीन एम्बेडेड है, उसमें से निकलने वाले कुछ कुछ हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, या फिर कुछ स्फिंगोलिपिड्स निकल रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो उसमें से प्रोट्रूडिंग आउट दिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंटिन्यूअस सी है वो कैसे दिखता है, मोज़ेक स्ट्रक्चर जैसे दिखता है। तो मोज़ेक स्ट्रक्चर इसीलिए नाम आया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइडिटी मूवमेंट मोज़ेक दैट एम्बेडेड सी लाइक सी ऑफ प्रोटीन्स इनटू इट मॉडल ओके। तो ये जो मॉडल था इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन, ये दोनों साइंटिस्ट ने इस मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी वजह से ही उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से उसमें इतनी रिबाउंडिंग कैपेसिटीज है, इसी वजह से उसमें इतनी परमिएबिलिटी है, और ये सब रीजंस है। अभी जो सारे प्रोटीन्स उसमें एम्बेडेड है उनके अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कुछ प्रोटीन्स है वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन होती है जो टॉप टू बॉटम जाती है, ऊपर के लेयर से नीचे के लेयर तक। तो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स,
ओके कुछ सरफेस प्रोटीन्स होती है वो कुछ और चीजें करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सारे उसके ऊपर के जो ये सारे एम्बेडेड प्रोटीन्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, ये सभी चीजें कुछ ना कुछ फंक्शनिंग करती है, एंड हेंस सेल मेम्ब्रेन इज वेरी वर्सेटाइल, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे फिर? तो फंक्शंस में आता है सबसे पहले शेप, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, तो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन होने की वजह से ये शेप प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एनिमल सेल में स्पेसिफिकली शेप इज गिवन बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड इज मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये सबसे बाहर में है, सबसे बाहर का कवरिंग है, तो ये क्या करता है, एक अच्छा सा लेयर बना देता है जिसकी वजह से सपोर्ट जो है वो सेल को उसके थ्रू मिलता है। देन इज अलाउज एंट्री ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अभी मैंने जैसे बताया कुछ चैनल्स बनते हैं प्रोटीन के, कुछ चीजें आती है, आयन एक्सचेंज चैनल्स होते हैं, फिर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स है उसमें, जो क्या करते हैं उसको चीजें अंदर बाहर लेने और देने के लिए हेल्प करती है। इट गिव स्पेसिफिसिटी, नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी फॉर सब्सटेंसेज, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी चीज अंदर लेनी चाहिए, कौन सी चीज बाहर भेजनी चाहिए। इट नोज विच इज यूजफुल एंड विच इज नॉट, ओके, एंड देन इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है। प्लांट में हो सकता है सेल वॉल है, बट देन अगेन इट इज द लास्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, इसके बारे में मैं नोट्स आपको पूरी डिटेल में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज थर्ड मोस्ट ऑर्गेनल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर क्या होता है? द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो भी सारा सेल का कंट्रोलिंग है, सेल के अंदर क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब चीजें कौन डिसाइड करता है? एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। सो एज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था, एंड देन इट इज कॉल्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी ड्रॉ करके बताया था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो उसमें बाहर में उसका न्यूक्लियर एनवेलप आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी जनरली बायलेयर में होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बीच बीच में ये न्यूक्लियर पोर है, उसके अंदर में एक डेंस न्यूक्लियोलस होता है, और उसके अंदर में ऐसा स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अभी इन चारों के एक एक करके हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये बायलेयर है, ये न्यूक्लियस को एक प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको एनवेलप बोला गया है, ठीक है। एनवेलप का फंक्शनिंग क्या होता है? कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो उसको यूज करते हैं। सो हेंस न्यूक्लियर एनवेलप प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस। सेकेंडली इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द न्यूक्लियस। थर्ड इट पैकेजेस एंटायर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, उसका प्रोकैरियोटिक नेचर ही क्यों था, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं है, वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, और उसका डीएनए जो है वो पूरा साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। इसने क्या किया है अभी? इट हैज केप्ट द एंटायर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ए कवर, ओके। तो उसको कहीं भी स्कैटरिंग की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी इश्यूज नहीं होगा कि हाँ ठीक है कहीं बिखरा पड़ा है डीएनए, ओके। सेकेंडली वी हैव न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर जो है, इट व्हाट डज इट डू? इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस टू इनसाइड, क्योंकि न्यूक्लियस हेडक्वार्टर है। तो अगर न्यूक्लियस ऑर्डर नहीं देगा तो चीजें कैसे पता चलेगी सेल को? तो ये चीजें अंदर बाहर कैसे करेगी, मैसेजेस कैसे अंदर बाहर करेंगे? इट विल कम एंड गो थ्रू द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी उसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म हैज क्वाइट सिमिलर कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, बट देन इट इज एज इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का अंदर का उसका फ्लूइड कंटेंट है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
देन इज क्रोमैटिन नेटवर्क. नाउ क्रोमैटिन नेटवर्क इज द जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए ऑफ द सेल. ठीक है, तो कोई भी सेल का डीएनए का फंक्शन क्या होता है, उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना, उसके अंदर में जो भी सारे प्रोटीन बनाने हैं, एंजाइम्स बनाने हैं, जो भी सारी चीजें इसेंशियल फंक्शनल प्रोटीन्स बनाने हैं, ये सब का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, द जेनेटिक मटेरियल देता है. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स. इसको कन्वर्जन करते हैं हम बाद में जाके क्रोमोसोम्स में, जब भी हमें सेल डिविजन करना होता है. सो हेंस वी हैव क्रोमैटिन नेटवर्क, दैट इज द डीएनए ऑफ द सेल. एंड देन वी हैव न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज अगेन न्यूक्लियस का छोटा सा बॉस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इनिशिएट्स द सेल डिवीजन या फिर न्यूक्लियर डिवीजन. इट हैज कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग आरएनए एंड राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये उसका मेन फंक्शन है. तो राइबोसोम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूक्लियस की है, नॉट ऑफ सेल. ठीक है, तो ये बात आप याद रखना अच्छे से. सो दिस इज द एंटायर कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस और हाउ द स्ट्रक्चर इज ऑफ न्यूक्लियस, और उसके एक एक कंपोनेंट्स के उनके अलग अलग नाम और उनके फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या है न्यूक्लियस के. फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल, क्योंकि ये एंजाइम बनाएगा. एंजाइम प्रोटीन होता है. हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन करने के लिए वी रिक्वायर एंजाइम्स. तो ये सारे एंजाइम्स जो है वो बनाने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर की इंफॉर्मेशन आएगी, तभी जाके ये एंजाइम बनेगा. सो हेंस न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सेकेंड, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ बाय प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, क्योंकि ये नए प्रोटीन्स बनाता है. प्रोटीन इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सेल और बॉडी. ठीक है, तो प्रोटीन अगर बनेगा तभी जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा, कोई भी सेल है वो ग्रो करेगा. तो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो लगने वाले प्रोटीन्स है या फिर सेल डिवीजन को लगने वाले जो प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करता है, न्यूक्लियस करता है. ठीक है, देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. जैसे मैंने पहले भी बोला, न्यूक्लियोलस का ये फंक्शन है. न्यूक्लियोलस प्रिपेयर्स और न्यूक्लियोलस मेक्स द राइबोसोम्स. ठीक है, देन वी हैव द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन. नाउ सेल साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच सेल अंडरगोज डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस इन टू इट्स लाइफ स्पैन, एंड देन कम्स वन इम्पॉर्टेंट फेज जिसको हम बोलते हैं सेल डिविजन फेज. तो ये सारे फेजेस को कवर करना, फर्स्ट इज गैप वन फेज या फिर ग्रोथ वन फेज जिसमें सेल ग्रो होता है, फिर जाके वो सिंथेसिस फेज में चला जाता है, वो डीएनए सिंथेसाइज कर लेता है, फिर इट गोज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला फेज, तो वहां पे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेता है, एंड देन अल्टीमेटली सब कंप्लीट होने के बाद इट अंडरगोज सेल डिविजन. तो ये पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करना, उसको स्टेप वाइज सारा चीजें करना, ये सारी चीजें कौन करता है, न्यूक्लियस करता है कंट्रोल. ठीक है, तो सेल साइकिल तो हम और डिटेल में एंड में पढ़ने ही वाले हैं, बट देन जस्ट अ स्मॉल जिस्ट ऑफ इट. ठीक है, एंड देन लास्टली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो हेरिडिटी, इवोल्यूशन, सारी चीजें, वेरिएशन लाना, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए या फिर वो कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, डीएनए है. और ये सारा डीएनए जो है वो पूरा डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो हेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, हु रन्स द एंटायर ऑर्केस्ट्रा इनसाइड द सेल. ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, एंड देन वी विल कैरी ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी. ओके, सो आज के लिए होमवर्क जो है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, एंड प्लीज ऑलवेज मेक श्योर दैट आपने सारे वीडियोज देखे हैं, फॉलो किए हैं, आपने उनको पूरा उसमें से स्टडी किया हुआ है, क्योंकि सब लोग अभी आपकी आपकी जो अटेंडेंसेस है वो तो मार्क नहीं हो रही है, तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना है कि ठीक है मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा है, मेरा स्कूल का इतना सारा मैटर है. जब भी आपको टाइम मिले, टेक योर टाइम, आराम से सब चीजें लेके बैठो, आराम से आप अपने रूम में चेयर लगा के, कीप योर लैपटॉप और योर फोन विद यू, एंड देन आराम से उसको बैठ के सुनो, सारे वीडियोस को कंप्लीट करो, जो होमवर्क है, नोट्स है, उसको रीड करो, उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लो, जो भी सारे डिफरेंशिएट बिटवीन होगा या फिर जो भी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ अपने नोटबुक में जॉट डाउन करो, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें से अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ट्राई एंड सॉल्व देम राइट अवे. ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज 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 डू वॉच एवरी वीडियो. अगर आपको कोई पिछले वाला वीडियो छूट गया होगा, देन यू कैन मैसेज मी, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको भी देख लो,
और फिर जाके अपना पूरा जो सारा अभी तक हुआ हो जो सिलेबस है उसको आप फिर से एक बार देख लो और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको मुझे उसका पिक्चर भेजना है, ठीक है? सो आई होप आप ये करोगे. ओके, एंड देन आई लीव यू विद दिस नोट. आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. चलो बाय.